उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय पर आयपा संगठन ने मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आपको सादर अवगत कराना है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के 3 पत्रकार राजेश शर्मा, सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित की सड़क हादसे में रायसेन जिले के सलामतपुर थाना क्षेत्र में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पत्रकारों के परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया है। ऐसी दुख की घड़ी में इनके परिवारों का पालन पोषण करना कठिन हो जाएगा। इनके परिवार को भविष्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि मृतक परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। वही आयपा संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, जिसको लेकर संगठन के लोगों ने ज्ञापन दिया है। सुनील कुमार की रिपोर्ट। मैं आईपा ग्रुप से कोऑर्डिनेटर हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और आज हमने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है दुखद घटना है, उस पर हमने 2 मिनट मौन भी रखा था, और उसमें जो पत्रकार हमारे दुर्घटना में जो मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें और उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, आधी आर्थिक मदद दी जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, यही हमारी मांग थी। और हमने एक ज्ञापन हमारे जिलाधिकारी मेधा रूपम जी उनको दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। अच्छा, आज आप जीएम कार्यालय पर आए हैं, किस वजह से आए हैं? हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने इसलिए आए हैं कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं, 3 पत्रकार भाई जिनकी दुर्घटना में मध्य प्रदेश में अकस्मात मौत हो गई, और हम चाहते हैं कि हमारे जिलाधिकारी द्वारा उनको जो है आज हम ज्ञापन देंगे, और वो ज्ञापन उनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को दिया जाएगा। उनके जो परिवार को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि उनके परिवार का लालन पोषण हो सके। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रतिनिधित्व मंडल लखनऊ से भी आया है, और हमारे जो जिलाध्यक्ष हापुड़ हैं भूपेंद्र सागर, और हमारे सभी पत्रकार भाई जो आईपा से जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ही ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर दिया है? मेरा नाम भूपेंद्र सागर है, और मैं जो आईफा पत्रकारों का संगठन है उससे जिलाध्यक्ष हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी के नाम हमने महोदय डीएम हापुड़ को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 3 पत्रकारों की सड़क हादसे में मौत हो गई, उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की घोषणा तो मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है, लेकिन आईफा संगठन का सीधा सीधा उद्देश्य है कि 10-10 लाख रुपए जो 3 मृतक परिवार के लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, और एक एक सरकारी नौकरी भी दी जाए।